हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप फेसबुक को यूज़ करते हैं तो उसमें आपका डेटा जो है काफ़ी ज़ाया होता है। उसकी वजह यह है कि आप कुछ वीडियो ऐसी हैं जो ऑटोमेटिकली आपकी फ़ेसबुक में प्ले हो जाती हैं और उसका आपको नुकसान है। दूसरा नंबर, आपको पिक्चर या फ़ोटो अपलोड करते हैं तो वो ठीक से नज़र नहीं आता, यानी तस्वीर आपकी सही साफ़ नहीं होती, धुंधली होती है। तो उसका तरीकाकार बताऊंगा कि आप HD क्वालिटी में अपनी तस्वीर और वीडियो कैसे अपलोड कर सकते हैं। आप देख रहे हैं एम स्टार वर्ल्ड और मैं हूं आपका होस्ट हमाद अंजम। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, फेसबुक को ओपन करते हैं। फेसबुक को ओपन करने के बाद कुछ इस तरह सा इसका इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको ये जो तीन डॉट नज़र आ रहे हैं इन पे क्लिक करना है। जब हम इसको ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मज़ीद काफ़ी चीज़ें ओपन होंगी। लास्ट पे यहाँ पे एक इसका ऑप्शन आ रहा है, सेटिंग एंड प्राइवेसी। ये जब इसको ओपन करेंगे तो मज़ीद यहाँ पे इसकी सेटिंग आ जाएगी, सेटिंग एंड प्राइवेसी, कोड सेटिंग, प्राइवेसी शॉर्टकट। ये जो इसका ऑप्शन आ रहा है ऐप सेटिंग, इसको आपने ओपन करना है। ठीक है, ऐप सेटिंग को जब ओपन करेंगे तो यहाँ पे कुछ इसकी सेटिंग है जो हमें करनी पड़ेगी। पहले नंबर पर तो जो इसका आता है कि अगर आप कोई फ़ोटो वगैरह फेसबुक पे अपलोड करते हैं तो ये उसका ऑप्शन आया है लेटेस्ट अपडेट में कि वो फ़ोटो आपका सही साफ यानी कि HD क्वालिटी में अगर करना चाहते हैं तो ये उसका HD क्वालिटी यहाँ से आपको ऑन करना पड़ेगा। ठीक है, इस ऑप्शन को भी आपको ऑन करना पड़ेगा। ये ऑडियो फ़ोटो का और दूसरा वीडियो का, इसको भी आप यहाँ से ऑन कर दीजिए और इसको भी यहाँ पे ऑन कर दीजिए। ये जो ऑप्शन है इसका, अगर आपका मखसूस किस्म का पैकेज है यानी कि कम डेटा है आपके पास और आप अपने डेटे को बचाना चाहते हैं तो जो ही आप फेसबुक को ओपन करते हैं तो आपकी वीडियो ऑटोमेटिक चलनी शुरू हो जाती है। यानी आप नहीं चाहते कि आपकी वीडियो चले लेकिन फिर भी वो चलती है, जिसकी वजह से आपका फेसबुक का डेटा ज़ाया होता है। तो ये पहला जो ऑप्शन नज़र आ रहा है आपको, ऑटोमेटिक जो सेटिंग होती है फेसबुक की, उस ये ऑटोमेटिक ऑन है, ऑन मोबाइल डेटा ऑन वाईफाई कनेक्शन। दूसरे नंबर पे आ रहा है ऑन वाईफाई कनेक्शन ऑन, यानी जब आपके पास आपके साथ वाईफाई होगी तो ये उस वक्त चले। लास्ट पे जो है वो है नेवर ऑटो प्ले वीडियो, आपने यहाँ पे जो है क्लिक कर देना है। ये जो ऑप्शन आ रहा है, अगर आप नहीं चाहते कि आपकी वीडियो ऑटोमेटिकली चले, जितनी देर तक आप क्लिक नहीं करेंगे वीडियो नहीं चलेगी, तो आप इस ऑप्शन को क्लिक कर दीजिए। अब ये होगा कि आप अपनी वीडियो अपना डेटा बचा सकें। आप फेसबुक भी यूज़ करेंगे लेकिन आपका मोबाइल का जो डेटा है वो ज़ाया नहीं होगा। आप जिस वीडियो को प्ले करना चाहते हैं वही प्ले होगी, बाकी यानी आप उस पर स्क्रॉल करते जाएंगे लेकिन वीडियो प्ले नहीं होगी इस ऑप्शन की वजह से। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको कुछ पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।